हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका नीट का सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए, मुश्किल से 20-25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास इसी के रिगार्डिंग मैसेज आए फेसबुक पेज पे। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाना ज़रूरी है। आप लोगों का कहना है कि आपका नीट का सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन आपके अंदर नीट एग्जामिनेशन को क्लियर करने का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी भी जीरो है। कॉन्फिडेंस लेवल जीरो होने का मतलब है कि आपकी पूरी 1 साल की मेहनत बर्बाद होना। देखिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है वो सबसे ज़्यादा प्रीशियस मंथ होता है आपके लिए। यही वो मंथ है जो आपकी रैंक डिसाइड करेगा, आपके मार्क्स डिसाइड करेगा, आपका कॉलेज डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। ये सब कुछ यही दोनों मंथ हैं जो आपकी डिसाइड करेंगे। जनवरी के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके नीट में कितने मार्क्स आने वाले हैं। फेबररी जैसी शुरू होगी, आपको मालूम चल जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को मालूम चल जाएगा कि वो किस लेवल पे है। अब दिक्कत क्या है कि आप लोगों के मन में एक डाउट बन चुका है कि आपका नीट का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। देखिएगा, 90% स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट अभी है कि उनका नीट में सिलेक्शन शायद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। घर वाले जब फ़ोन करके पूछते तो कह तो देते हैं मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, लेकिन उनके मन में भी एक डाउट होता है कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो आपके मन में डाउट है, इस डाउट को मत रखिए। आपके मन का ये जो डाउट है, वही डाउट वो है आपको सिलेक्शन से रोकेगा। आपको सिलेक्शन से आपकी स्टडी, आप 6 घंटे की जगह 4 घंटे स्टडी कर रहे हैं, वो नहीं रोकेगी। आप आज क्लास नहीं गए, वो नहीं रोकेगी। आपके टेस्ट में 400 नंबर आए, वो नहीं रोकेगा आपको सिलेक्शन को। आपके सिलेक्शन को रोकेगा आपके मन का ये डाउट कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि जब आपके मन में ये रहेगा, ये आपके ऊपर इतना हावी रहेगा कि आप कोई भी चीज़ पढ़ेंगे ना तो वो आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। याद करिए, जब आप नीट की तैयारी करने आए थे, और जब आप तैयारी करने आए थे आपके मन में ये डाउट नहीं था, और जब आपको टीचर जो बताता था आपके मन में बैठ जाता था, हफ्ते हफ्ते भर तक आपको वो याद रहता था। आज जब आपके मन में ये डाउट बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से बिल्कुल भर चुका है, तो आप जो भी याद करते हैं ना, पहली बात तो किसी एक छोटे से टॉपिक को याद करने में आपको ज़्यादा टाइम लगता है, फिर आप उसको भूल भी जल्दी जाते हैं। क्या हुआ ये सब? क्या आप पढ़ते पढ़ते जो कोचिंग वाले हैं वो आपको होशियार से आपको गधा बना दिए है, आपकी मेंटल पावर डाउन कर दिए? नहीं, आपने खुद के आप दुश्मन बन चुके हैं। आप जो सोच रहे हैं ना कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपकी एक बीमारी है, और इस बीमारी के इलाज भी आप हैं। आपने अगर आज से सोचना बंद कर दिया, आप कहेंगे मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा अगर मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ूँ, मैं जैसे रेगुलरली पढ़ रहा हूँ वैसे मैं पढ़ूँ, मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। बस इतना आपको सोचना है, नीट में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके मन में ये रहेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपके मन में किसी भी टॉपिक को ज़्यादा देर तक रहने नहीं देगा, और धीरे 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 आपको इतना कवर कर लेगा, इतना पकड़ लेगा कि एक मंथ ऐसा आएगा फेबररी और मार्च का कि आपको कहेंगे कि अब मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, और आप पढ़ाई छोड़ के मस्तियों की लाइन में ले जाएगा वो, आपको वो सब बर्बाद कर देगा। तो इन 2 महीनों में केवल इतना सोचिए कि मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, बस मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ता रहूँ। इतना छोटा सा कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए। अब बात करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस मत होना कि मेरा तो हो ही जाएगा सिलेक्शन, आराम से मैंने सब खूब पढ़ रखा है, मेरे आराम से कोचिंग रेगुलरली जाता था, अरे आराम से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। ये भी नहीं करना है, केवल अपने मन में इतना रखना है कि मैं जैसे रेगुलरली पढ़ता था 6 घंटे, अगर वैसे ही पढ़ूंगा तो मेरा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा। मैं वाइट सेफ्रॉन के साथ अपने मेडिकल कॉलेज में स्टडी करूंगा, और फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री की स्टडी करूंगा। बस मन में इतना रखो, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जो आपका रेगुलर का टाइम टेबल है वो पढ़ो, जैसे रिवीजन का टाइम टेबल था वो करो, अपने मन से सारे डाउट हटा दो, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको छोड़ो। अगर आपके रूम में सामने एक रूम है जिस रूम में एक बंदा रहता है जो 8 घंटे पढ़ता है, आप 6 घंटे पढ़ते हैं, तो 8 घंटे पढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप जो अगले 2 घंटे आप उसकी जैसे बनने की कोशिश करेंगे ना, 6 की जगह आप 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उन 2 घंटों में आप पढ़ेंगे तो, लेकिन समझ में नहीं आएगा, आप ज़बरदस्ती पढ़ेंगे। और जो उन 2 घंटे में आप रेस्ट लेते थे 4 घंटे की बराबर की, अब वो 2 घंटे की वजह से आपका रेस्ट का टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। तो आप जैसे हैं वैसे रहें, अपने मन से सारे डाउट हटा दें स्टूडेंट्स, सिलेक्शन ईजीली होता है, केवल अपने मन से ये सारे डाउट हटाने होते हैं, और अपने ऊपर भरोसे के साथ साथ तैयारी रेगुलरली करनी होती है, रेगुलरली स्टडी करनी होती है, और हर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होने का मंत्र यही है। बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, ये कोई फालतू की बात अपने मन में मत सोचें। दिसंबर और जनवरी का मंथ है, इस मंथ को अच्छे से यूज़ करें और अपने मेडिकल कॉलेज डीएम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाएं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी रेगुलरली डाउट है कि आपका कोई भी आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, तो नीचे हमारी जीमेल दी गई है लिंक, आप उस पर क्लिक कर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।